Their backs are turned on the land and they're always looking at the sea. They have a kind of impulse to see what is beyond that. दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं पोर्टुगल की. जी हाँ, पोर्टुगल एक ऐसा देश है जिसने समुद्र को हमेशा से एक लिविंग बीइंग की तरह चेस किया. उनका मानना था कि सी एक ऐसी एंटिटी है दैट शुड बी चेस डाउन, दैट शुड बी कन्फ्रंटेड. दोस्तों पोर्टुगल यूरोपियन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मोस्ट एजेस पर बसी एक छोटी सी कंट्री है जो स्पेन के साथ मिलकर आइबेरियन पेनिनसुला बनाती है. लैंड के टर्म्स में ये दुनिया की 109th कंट्री है और लगभग 10 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ ये दुनिया में पॉपुलेशन के टर्म्स में 89th नंबर पर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय पर ये छोटा सा नेशन दुनिया के कुछ चुनिंदा ग्लोबल सुपर पावर्स में से एक था. जी हाँ, और तो और पोर्टुगल के सी फियरिंग कल्चर के कंट्रीब्यूशन से उसने द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी को किक स्टार्ट किया और इस सी फियरिंग कल्चर के चलते पोर्टुगल ने ऐसे सेलर्स और एक्सप्लोरर्स को जन्म दिया जिन्होंने इस दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया. जहां एक तरफ रोमन्स, ग्रीक्स और बाकी एंशियंट सिविलाइजेशन का ये मानना था कि दुनिया कुछ ही माइल्स तक सीमित है, वहीं पोर्टुगल अलग तरीके से सोचते थे और दुनिया को एक्सप्लोर करने की क्वेस्ट के चलते 15th सेंचुरी में 1 मिलियन से भी कम की पॉपुलेशन वाले इस किंगडम ने मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन की एक ऐसी एरा लॉन्च की जिसने पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया. आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी ग्लोबल डोमिनेंस की चरम सीमा पर पोर्टुगीज एम्पायर पूरे विश्व भर में फैला हुआ था. साउथ अमेरिका से लेकर एशिया तक पोर्टुगल पूरे इंडियन ओशन को डोमिनेट करता था. दुनिया का सबसे ल्यूक्रेटिव स्पाइस ट्रेड पर एक समय पर केवल पोर्टुगल की ही मोनोपोली चलती थी. और तो और दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट्स की जमीन पर फैली उसकी टेरिटरी कलेक्टिवली पूरे रोमन एम्पायर से भी बढ़कर थी. लेकिन बाकी कॉलोनियल पावर्स की तरह पोर्टुगीज एम्पायर भी 20th सेंचुरी तक आते आते कोलैप्स करके चकनाचूर हो गया. लेकिन लैंड ही सब कुछ नहीं होता. आज भले ही इस 21st सेंचुरी में हम पोर्टुगल को एक स्मॉल टेरिटरी कहें, लेकिन उसकी मैरीटाइम टेरिटरी की बात करें तो वो आज अटलांटिक ओशन के मिडल तक फैली हुई है. और हाल ही में सामने आए पोर्टुगल के एक ग्रैंड प्लान के तहत वो इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहता है. और अगर बिना किसी हर्डल के वो इसमें कामयाब हो जाता है तो उसकी टोटल लैंड और मैरीटाइम टेरिटरी को मिलाकर वो वर्ल्ड का 16th लार्जेस्ट नेशन बन सकता है. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक और स्ट्रेंजेस्ट कंट्री पोर्टुगल के बारे में जानेंगे. हम जानेंगे कि कैसे इस टाइनी लिटिल एम्पायर ने कुछ सदियों पहले अपने सी फेयरिंग कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हुए पूरे विश्व पर राज किया और कैसे उसका विघटन हुआ और कैसे आज फिर सी को यूज़ करते हुए अपने एक्सपेंशन के सपने देख रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में. आज से लगभग 600 साल पहले पोर्टुगल उन चुनिंदा यूरोपियन देशों में से एक था जिसने यूरोपियन कॉन्टिनेंट के परे अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश करनी शुरू की. दोस्तों पोर्टुगल ने दुनिया की खोज के लिए बाउंडलेस अटलांटिक ओशन का सहारा लिया. 1341 में पोर्टुगीज एक्सप्लोरर्स ने इन टेम्पटिंग वाटर्स में पहली बार उतरना शुरू किया और तब उन्होंने अफ्रीका की नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पर कैनरी आइलैंड्स को एक्सप्लोर किया. हालांकि बाद में स्पेन ने कैनरी आइलैंड पर कब्जा किया, लेकिन तब तक पोर्टुगल ऑलरेडी शिप मेकिंग, नेविगेशन और मैप मेकिंग में एक लीडिंग पावर बन चुका था. पोर्टुगीज किंगडम के एम्बिशियस किंग जॉन 1 की नजर सबसे पहले पड़ी मोरक्को पर. मोरक्को उस समय पर एक मुस्लिम स्ट्रांग होल्ड होने के साथ साथ अफ्रीका में मौजूद गोल्ड और स्पीसीज और बाकी कई रिच रिसोर्सेज के खजाने तक पहुंचने का एक गेटवे मालूम पड़ रहा था. इसी के चलते 1415 में किंग जॉन 1 ने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करते हुए नदन अफ्रीका में मूर्स से हेवली फोर्टिफाइड मोरक्कन पार्ट ऑफ क्यूटा को छीन लिया. मूर शब्द यूरोपियन कॉलोनाइजर्स द्वारा मगरेब, आइबेरियन पेनिनसुला, सिसिली और माल्टा में रह रहे मुस्लिम इनहेबिटेंट्स को रिफर करने के लिए किया जाता था. और इसी इंसिडेंट ने यूरोपियन कॉलोनलिज्म की इंपीरियल एज किक स्टार्ट की. आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले कॉलोनलिज्म की शुरुआत करने वाले पोर्टुगल ने 600 साल बाद सबसे आखिर में ही इस लेगेसी को ख़त्म किया. लेकिन इस बीच पोर्टुगीज एम्पायर बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हुआ. क्यूटा के एनेक्सेशन के कुछ दशकों बाद किंग जॉन 1 के बेटे प्रिंस हेनरी ने, जिनको आज फेमसली प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग कई बड़े एक्सपेडिशंस फाइनेंस किए. यहाँ उनके दो मकसद थे.
पहला था क्रिश्चियनिटी को दुनिया भर में स्प्रेड करना और दूसरा था गोल्ड स्पाइसेस और स्लेव की ट्रेड में मिलने वाले प्रॉफिट को एक्सपेंड करके अपने किंगडम को अमीर बनाना। दोस्तों वो पोर्टुगीज ही थे जिन्होंने अमेरिकाज में स्लेव ट्रेड सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। इस स्लेव ट्रेड के जरिए अफ्रीकन लोगों को इंस्लेव करके अमेरिका में लाया जाता था और कॉलोनियल पावर इनको एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट जनरेट किया करती थी और उनके इस काम में मदद करते थे अटलांटिक ओशन में मौजूद अनइनहैबिटेड अफ्रीकन आइलैंड जिनको वो कैप्टिव्स और कॉमोडिटीज के कलेक्शन पॉइंट की तरह यूज करते थे। 1460 में प्रिंस हेनरी की डेथ के पहले ही पोर्टुगीज सेटलर्स प्रेजेंट डे सीरिया लियोन तक पहुंच चुके थे और तो और उन्होंने पोर्टो सेंटो, मेडेरिया एंड द अजोर्स जैसे आइलैंड पर भी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर ली थी। हालांकि प्रिंस हेनरी की डेथ के बाद इस मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन का मोमेंटम कुछ समय के लिए थम सा गया, लेकिन कुछ सालों बाद उनके ग्रैंड नेफ्यू किंग जॉन सेकेंड के शासन के दौरान ये फिर से जोर शोर से चालू हुआ। 1487 में बार्टोलोमी डियास जो एक पोर्टुगीज नेविगेटर थे वो पोर्टुगल से इंडिया तक पहुंचने का वाटर रूट खोजने के मिशन पर निकले और उन्होंने अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट को एक्सप्लोर करते हुए ये रूट खोज ही निकाला और इसी इंसिडेंट के बाद उस केप का नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप। 1488 में इस सक्सेसफुल सी वॉयज से इंस्पायर होकर इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसको नेविगेशन की ट्रेनिंग पोर्टुगीज द्वारा ही दी गई थी, उन्होंने किंग जॉन सेकेंड से वेस्ट के रिसोर्स रिच लैंड्स को एक्सप्लोर करने की परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट करते हुए अपने राइवल मोनार्क्स स्पेन के इसाबेला और फर्डिनांड से सपोर्ट हासिल करने को कहा और वहां से उसको परमिशन मिल भी गई। 1494 में कोलंबस की न्यू वर्ल्ड की डिस्कवरी के बाद स्पेन और पोर्टुगल ने इसको आपस में बांटने का निश्चय किया, जिसके चलते उन्होंने ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास साइन की। न्यू वर्ल्ड में बेसिकली नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज मौजूद थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिका को एक वर्टिकल लाइन के थ्रू दोनों किंगडम के बीच बांट दिया गया, जिससे उनके बीच इन टेरिटरीज को लेकर कोई झगड़ा ना हो। इस ट्रीटी के तहत केप वर्डे आइलैंड के वेस्ट की ओर 370 लीग पर बने मेरिडियन को डिवाइडिंग लाइन कंसीडर किया गया और इस डिवाइडिंग लाइन के ईस्ट की टेरिटरीज पोर्टुगीज एम्पायर के कब्जे में आई और वेस्ट की टेरिटरीज स्पेनिश एम्पायर के पास चली गई। 1497 में वास्को डी गामा ने 4 ships और 170 crew member के साथ डियास के रूट को फॉलो किया और इस रूट को फॉलो करते हुए वो इंडियन ओशन के थ्रू मई 1498 में इंडिया में कैलिकट पहुंचे। वास्को डी गामा के सक्सेसफुल वॉयज ने यूरोप से इंडिया आने के वाटर रूट को पहली बार दुनिया के सामने रखा। अपने लेटर एक्सपीडिशंस में वास्को डी गामा ने अफ्रीका और इंडिया में ट्रेडिंग पोस्ट और फोर्ट्रेस एस्टैब्लिश करके एक वास्ट नेटवर्क एस्टैब्लिश किया, जिससे पोर्टुगल के ग्लोबल ट्रेड को एक मैसिव बूम मिला। इसके चलते अभी तक ऑटोमन और बिजेंटीन एम्पायर्स जैसी पावर्स के द्वारा डोमिनेट किए जाने वाले ट्रेड अब यूरोपियन पावर्स के द्वारा डोमिनेट किए जाने लगे, जिसके चलते ग्लोबल ट्रेड और यूरोपियन डोमिनेशन की एक नई एरा की शुरुआत हुई। इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए पोर्टुगीज एक्सप्लोरर्स इंडिया से ईस्ट की तरफ चले और 1512 में स्पाइस आइलैंड यानी इंडोनेशिया और 1514 में चाइना पहुंचे। इसके कुछ सालों बाद पोर्टुगीज नेविगेटर मैगेलन ने इंडोनेशिया से साउथ अमेरिका की टिप तक पहुंचने के लिए वेस्टवर्ड रूट प्रपोज किया, लेकिन पोर्टुगल के किंग से इसको इजाजत नहीं मिली। फिलीपींस में मैगेलन की डेथ के बाद उन्हीं के एक क्रू मेंबर ने 1522 में स्पेन तक का सफर पूरा किया और ये पूरे ग्लोब को सर्कमवेंट करने का पहला हिस्टोरिक एफर्ट साबित हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अपनी नेविगेशन, एक्सप्लोरेशन और कॉन्क्वेस्ट की सक्सेस के चलते 16th सेंचुरी में पोर्टुगल दुनिया का सबसे प्रॉस्परस नेशन बना और इसी तरह वो दुनिया का फर्स्ट ग्लोबल मैरीटाइम और कमर्शियल एम्पायर बना। 16th सेंचुरी के लेटर हाफ तक पोर्टुगल ने लिस्बन से नागासाकी तक अपने नेवल आउटपोस्ट बिछा दिए। 19 तक ये एम्पायर ब्राजील से लेकर अफ्रीका तक और इंडिया से लेकर वेस्ट इंडीज तक फैल चुका था, लेकिन कुछ मिसफॉर्च्यून्स के चलते इस वास्ट एम्पायर के बुरे दिन शुरू हो गए। लिस्बन में एक मैसिव अर्थक्वेक और पोर्टुगल किंगडम पर नेपोलियन के अटैक के चलते वहां की रॉयल फैमिली का ब्राजील भाग जाना और कुछ ही सालों के बाद ब्राजील की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देना इस एम्पायर के लिए एक मैसिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लो साबित हुआ। ब्राजील जैसी मैसिव कॉलोनी में हुए डिफीट के बाद पोर्टुगल ने अपनी अफ्रीकन कॉलोनीज को एक्सपेंड करना चाहा, लेकिन वहां ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश एम्पायर को नाराज ना करते हुए उसने अपने एम्बिशंस को रिस्ट्रिक्ट कर लिया।
20th सेंचुरी की शुरुआत में भी पोर्टुगल अपना एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल एम्पायर मेंटेन कर रहा था, लेकिन 1930s के यूरोपियन में फैल रहे ऑथोरिटेरियनिज्म की वेव पोर्टुगल तक भी पहुंची और वहां एक राइट विंग डिक्टेटर एंटोनियो सालाजार ने पोर्टुगल की कमान संभाली। हालांकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद अफ्रीका और एशिया के सभी कॉलोनियल एम्पायर्स के खिलाफ एक डीकोलोनाइजेशन की वेव फैलने लगी, लेकिन पोर्टुगल ने इसको स्ट्रांगली रेजिस्ट किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय अपने कॉलोनियल एम्पायर को सस्टेन करने के लिए यहाँ के डिक्टेटर ने पोर्टुगल को एक एम्पायर कहने के बजाय एक प्लूरी कॉन्टिनेंटल नेशन कहना शुरू किया, जिसके कई ओवरसीज प्रोविंसेस थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कॉलोनीज जैसे कि एंगोला, मोजाम्बिकी, गोवा और मकाऊ को फुल ऑन पोर्टुगीज प्रोविंस कहना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई मैप्स भी रिलीज किए, जिसका मकसद ये शो करना था कि उनकी सारी ओवरसीज टेरिटरीज मेनलैंड पोर्टुगल का ही पार्ट थी। वो शो करना चाहते थे कि उनकी सारी ओवरसीज टेरिटरीज साथ आ जाएं तो वो पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट भी कम पड़ जाए। लेकिन इन प्रोविंसेस में एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन एक कॉलोनी से भी बदतर थी। हालांकि 1960s तक यूरोपियन के सभी कॉलोनियल एम्पायर्स अपने कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस ग्रांट कर रहे थे, लेकिन पोर्टुगल अभी भी इसके लिए राजी नहीं था। उल्टा इस एंटी कॉलोनियल वेव को क्रश करने के लिए पोर्टुगीज ने 13 सालों तक अपनी मैन पावर, मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपनी कॉलोनीज के अगेंस्ट वॉर में झोंक दिया। बिना किसी आउटकम के ये वॉर कंटिन्यू चला जा रहा था। डेथ और डिस्ट्रक्शन के सिवाय किसी को कुछ हाथ नहीं लग रहा था। ये वन ऑफ द वेरी रेयर कोल्ड वॉर मूवमेंट्स में से एक था जब यूएस और यूएसएसआर पोर्टुगल के इस रात के अगेंस्ट एक साथ खड़े थे। चीजें बदलनी शुरू हुई 1970s में, जब 1974 में एक लेफ्टिस्ट आर्मी फैक्शन ने सालाजार की 43 ईयर ओल्ड डिक्टेटरशिप को खत्म किया और इसी के बाद पोर्टुगीज ने अपनी कॉलोनीज को मुक्त करना चालू किया। 1415 में अफ्रीका में सबसे पहले आने वाले पोर्टुगीज कॉलोनाइजर्स 600 साल बाद सबसे आखिर में उसको छोड़कर गए। 1999 में मकाऊ, जो पोर्टुगीज की लास्ट कॉलोनी थी, उसको चाइना को वापस सौंप दिया गया और इस तरह एंड हुआ पोर्टुगल के 600 साल पुराने कॉलोनियल एम्पायर का। दोस्तों, आज पोर्टुगल के पास अपनी मेनलैंड टेरिटरी के अलावा अटलांटिक में मौजूद मेडीरा और एजोर्स के आइलैंड ही बाकी हैं, लेकिन हिस्ट्री आज एक बार फिर उसी रास्ते पर चल रही है। दोस्तों, आपने क्या कभी इस चीज़ पर गौर किया है कि आज 21st सेंचुरी में भी दुनिया के बड़े बड़े देश छोटे छोटे आइलैंड नेशन को लेकर आपस में क्यों झगड़ते हैं? वो आइलैंड अपने आप में इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, इम्पॉर्टेंट होती है तो उनको सराउंड करने वाले ओशंस में पाई जाने वाली क्रूशल रिसोर्सेज। और यही रीज़न है कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच फाल्कलैंड आइलैंड को लेकर वॉर हुआ। यही रीज़न है कि क्यों चाइना साउथ चाइना सी के आइलैंड पर अपना हक जमाता है। यही रीज़न है कि जापान ईस्ट चाइना सी में अपने आइलैंड नेशन को चाइना से बचाना चाहता है। लेकिन इन ओशियनिक टेरिटरीज के स्कोप को कौन डिफाइन करता है? दोस्तों, इसका जवाब है UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, यानी UNCLOS। इसके अकॉर्डिंग एक कंट्री अपने कोस्टलाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक स्ट्रेस्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर अपनी सोवरेनिटी क्लेम करती है, और तो और उसको अपने EEZ से मिलने वाली किसी भी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने का पूरा अधिकार है। ये ट्रीटी कंट्रीज को उनकी मैरिटाइम बाउंड्री को एक्सटेंड करने का एक और स्कोप प्रोवाइड करती है, और वो है EEZ के बियॉन्ड जाकर अपनी एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्लेम करना। एक कंट्री की एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ उसके EEZ के बियॉन्ड 150 नॉटिकल माइल तक मौजूद होती है। इस जोन में कंट्री की सी के अंदर या उसके ऊपर कोई सोवरेनिटी नहीं होती, लेकिन सी फ्लोर और उसके नीचे की रिसोर्सेज को वो अब भी एक्सप्लॉइट कर सकती है। यहाँ अगर पोर्टुगल की बात करें तो उसके पास वर्ल्ड की 21st लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, लेकिन वो अपनी मैरिटाइम बाउंड्रीज को और भी ज़्यादा एक्सटेंड करने की तैयारी में है। हाल ही में पोर्टुगीज लॉ मेकर्स ने UN में अपनी एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर क्लेम फाइल किया है, जिसके चलते नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उसकी मैरिटाइम टेरिटरी का एरिया 38,77,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना वास्ट हो जाएगा। अगर कंपेयर करें तो ये इंडिया के लैंड एरिया से भी ज़्यादा है। अगर उसका ये क्लेम सक्सेसफुल हो जाता है तो पोर्टुगल की मैरिटाइम टेरिटरी दुनिया की 10th लार्जेस्ट मैरिटाइम टेरिटरी होगी, और अगर दुनिया के सभी देशों की लैंड और मैरिटाइम बाउंड्री को हाइपोथेटिकली कंबाइन करें तो पोर्टुगल वर्ल्ड का 16th लार्जेस्ट नेशन होगा। और पोर्टुगल इसी क्लेम को यूज़ करके इस ओशन पर
फिर खुद को एक्सपैंड करना चाहता है। लगभग 6 सेंचुरीज पहले पोर्टुगल ने सी को यूज़ करके अपना एम्पायर बिल्डिंग चालू किया था। आज 21st सेंचुरी में वो इन समुद्रों के पार बसी रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के बजाय इस समुंदर के अंदर ही रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना एम्पायर बिल्ड करना चाहता है, और इसी वजह से उसने अपने इस प्लान का नाम रखा है पोर्टुगल ए मर, यानी पोर्टुगल इज द सी। तो दोस्तों, ये थी कहानी पोर्टुगल के कमबैक की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या पोर्टुगल फिर से अपनी हेजिमनी को एस्टैब्लिश करने में कामयाब होंगे? आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।